चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे फॉरेस्ट गार्ड के पार्ट टू के बारे में। इससे पहले हमने एक पार्ट को डिस्कस करा है, अगर अभी तक आपने उसे नहीं देखा है तो आप उसे भी देख सकते हो। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नहीं तो आपको वीडियो के अंत में भी उसका लिंक प्रदान किया जाएगा। तो अब हम डिस्कस करेंगे हिंदी सेक्शन को, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न पूछा गया था, लिखने की रीति को क्या कहते हैं? तो जो लिखने की रीति को कहा जाता है तो ये हो जाएगा यहाँ पर विकल्प डी, बर्तनी। बर्तनी को लिखने का रूप कहा जाता है। मेरे अनुसार इसका सही उत्तर डी होना चाहिए। बाकी हम ऑफिशियल आंसर की पे देखेंगे क्या इसका क्या उत्तर दिया जाता है। जहाँ तक मुझे लगता है तो इसका सही आंसर डी ही होगा। अगला क्वेश्चन था 17, इसमें पूछा गया था हर 15 दिन बाद होने वाले के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। तो जो हर 15 दिन बाद होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है पाक्षिक। पाक्षिक होता है 15 दिन बाद होने वाला कोई भी चीज़, उत्सव या कुछ भी कह सकते हैं। जो साप्ताहिक होता है सप्ताह में एक बार, मासिक होता है महीने में एक बार, और वार्षिक होता है वर्ष में एक बार। तो इस प्रकार आप इसका उत्तर समझ गए होंगे, क्या ये डी हो जाएगा। हाँ, फिर भी अगर आपको लगता है कि किसी प्रश्न का उत्तर गलत दिया गया है तो आप हमें बता सकते हैं, उसके बारे में हम अवश्य डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 18, इसमें पूछा गया था आचार्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो जो आचार्य है इसका एक स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? तो यहाँ पर सही उत्तर ना था विकल्प डी, विकल्प बी आचार्य, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है 19, इसमें पूछा गया है हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? तो जो हिंदी वर्णमाला है इसमें 11 स्वर है और 33 व्यंजन है। याद रखना है 33 होंगे व्यंजन, और प्रश्न के अनुसार सही उत्तर होगा डी, 11 स्वर होंगे और 33 व्यंजन होंगे, डी सही उत्तर होगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है दिवाली शब्द में कौन सी संधि का प्रयोग किया गया है? तो जो दिवाली है यहाँ पर जो संधि होगी तो वो हो जाएगी विकल्प सी, दीर्घ संधि, सही विकल्प यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 21, अकर्मक और सकर्मक किसके दो भेद हैं? तो जो अकर्मक और सकर्मक होंगे ये दोनों ही क्रिया के भेद होंगे, यहाँ पर सही विकल्प बी हो जाएगा। तो जो ये ग्रामर का वीडियो रहेगा दोस्तों, एलटी के लिए भी महत्वपूर्ण होने वाला है, चाहे एलटी टेट हो या कमीशन, सभी बच्चे इस वीडियो को अवश्य देखें। यहाँ से आपके बहुत से प्रश्न रिवाइज हो जाएंगे और परीक्षा के लिए ये महत्वपूर्ण वीडियो साबित होगी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 22 है, इसमें पूछा गया है कि फल के रूप में आमर शब्द किस प्रकार का शब्द है? तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य ये है कि जो आम का तद्भव शब्द क्या होगा, या आम को क्या कहा जाता है, तद्भव देशज या तत्सम? तो जो आम होगा तो ये होगा विकल्प बी तद्भव। पहले जो आम को आमर कहा जाता था, संस्कृत में आम को आमर कहा जाता था, और जब हिंदी में आम शब्द को लिया गया तो ये आम ही रहा और ये तद्भव रूप होगा, यहाँ पर भी सही विकल्प हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जिस वाक्य में दो या अधिक मुख्य या स्वतंत्र उपवाक्य हों उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पर मुझे लगता है सही विकल्प ए होना चाहिए, संयुक्त वाक्य। अगला क्वेश्चन है 24, इसमें पूछा गया है अनुराग शब्द का विलोम क्या होता है? तो जो अनुराग शब्द होगा इसका विलोम पूछा गया है तो ये हो जाएगा विराग, अनुराग का विराग विलोम होगा, सही विकल्प बी हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन था 25, इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, इनमें से एक शुद्ध शब्द होगा कि वो कौन सा है? तो जो शुद्ध शब्द होगा यहाँ पर तो वो हो जाएगा विकल्प बी अनुग्रहित, इस प्रकार से लिखा जाता है, बी सही विकल्प हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 26, इसमें पूछा गया है बादल शब्द में पर्यायवाची शब्द को ढूंढिए। जो बादल है इसका पर्यायवाची क्या होगा विकल्प के अनुसार? तो वो हो जाएगा विकल्प सी जलद, जलज नहीं जलद, सी सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है 27, इसमें पूछा गया है व का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो इसका उच्चारण स्थान हो जाएगा विकल्प सी दंतोष्ठ्य, सी सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है 28, इसमें पूछा गया है हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो जो हिंदी भाषा है ये लिखी जाती है आपकी देवनागरी लिपि में, सी सही विकल्प हो जाएगा यहाँ। तो दोस्तों आगे आने वाली है आपकी पुलिस की परीक्षा, तो उसके लिए भी ये सभी पार्ट्स बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। खासकर अगर हम बात करें हिंदी सेक्शन, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको अपने मित्रों के साथ अवश्य शेयर कीजिएगा जो पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप स्वयं भी पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो इस वीडियो को अवश्य देखिएगा, यहाँ हिंदी सेक्शन से बहुत से प्रश्न आपके रिपीट होंगे, देख लेना आप।
आगे है, ये सामान्य हिंदी से दो तीन प्रश्न पूछे गए थे। सामान्य हिंदी इसमें पूछा गया था 29, रामचरितमानस की भाषा क्या है? तो जो महाकाव्य है रामचरितमानस, तो इसकी हमें भाषा बतानी है, तो ये हो जाएगी विकल्प ए, अवधि भाषा। तो कई बार अगर आप पुलिस की तैयारी कर रहे हो वहाँ पर आपसे ये प्रश्न बन सकता है कि जो रामचरितमानस है किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये लिखा गया था तुलसीदास के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जो पद्मावत महाकाव्य है ये किसकी रचना है, तो जो पद्मावत महाकाव्य है ये हो जाएगी मलिक मोहम्मद जायसी की रचना। दोस्तों याद रखिएगा किसकी रचना है, मलिक मोहम्मद जायसी की। और इसकी भाषा क्या है, तो इसकी भाषा भी अवधि ही हो जाएगी। ठीक है, इसके पश्चात जो सामान्य से प्रश्न और बनते हैं कि जो 11 वर्ष का समय है ये किसकी कहानी है, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कहानी हो जाएगी। उसके पश्चात था उसने कहा, ये बहुत ही ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है कि जो उसने कहा था ये कहानी किसकी है, तो ये हो जाएगी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी। इसके पश्चात ये प्रश्न भी बनता है कि जो सूरदास हो गए, तुलसीदास हो गए, जायसी हो गए, ये किस काल से संबंध रखते थे, तो ये तीनों ही महाकवि रखते थे भक्ति काल से संबंध। तो कई बार ये भी पूछा जा सकता है कि जो सुर सरावली है ये इसके रचनाकार कौन होंगे, तो ये हो जाएंगे सूरदास। इस प्रकार की जो प्रमुख रचना है आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है 30, यहाँ से मुझे एक प्रश्न याद आता है कि जो स्वयं को तृतीय हिंद किसने कहा था, तो स्वयं को तृतीय हिंद कहा था अमीर खुसरो ने। आपको याद रखना है, ये प्रश्न बन सकता है, स्वयं को तृतीय हिंद किसने कहा था, अमीर खुसरो ने। तो यहाँ पर प्रश्न है तूती बोलना मुहावरे का क्या अर्थ होगा, तो जो तूती बोलना मुहावरे का अर्थ होता है प्रभाव होना। तो जैसा कि आपको पता ही होगा, बोलते हैं कि मुकेश का वहाँ पर तूती बोलते हैं, अर्थात मुकेश है जो, मुकेश की वहाँ पर तूती बोलती है, तो अर्थात इसका ये मतलब होगा कि मुकेश का वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रभाव है। तो इस प्रकार यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा बी, तूती बोलने का अर्थ होगा प्रभाव होना।